नहीं एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस। अगर आप भी विली की तरह सही से प्रोनाउंस करना चाहते हो तो डाउनलोड करो कुकू टीवी किड्स ऐप और एवरीडे कुछ नया सीखो। संजीव एक किसान था, उसके सब्जियों के खेत थे। वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने खेतों में काम करता था। संजीव की दो लाडलियां थी, मुन्नी और चुटकी। दीदी ये देखो मेरे पास क्या है। क्या? टॉफी। तुझे किसने टॉफी दिलवाई? माँ ने। और ये ले तेरी टॉफी। अच्छा हुआ तुम मुन्नी के लिए भी टॉफी ले आई, वरना आज पूरे खेत को सर पे उठा लेती। ये बोल बोल कर कि हम दोनों चुटकी को ज्यादा प्यार करते हैं। अब ये सच तो है, आप दोनों चुटकी को ही ज्यादा प्यार करते हैं। उसे सबसे पहले सारी चीजें मिलती है। देखिए आज भी पहले टॉफी उसे ही मिली। अरे पगली, हमारे लिए तुम दोनों एक समान हो। हम दोनों तुम दोनों को एक बराबर प्यार करते हैं। और आज भी टॉफी मैंने तुम दोनों के लिए एक साथ खरीदी। माँ मैं जानती हूँ आप छुटकी को ज्यादा प्यार करती हो, क्योंकि वो छोटी है ना। ये नहीं सुनेगी, चाहे तुम लाख इसे समझाओ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ इस पगली को समझाने के लिए। कुछ मत कहो, जिम्मेदारी अपने आप इसे सब कुछ समझा देगी। मुन्नी हमेशा यही सोचती थी कि उसकी छोटी बहन चुटकी को उससे ज्यादा प्यार मिलता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। संजीव और रश्मि के लिए उनकी दोनों बेटियां एक समान थी। खैर समय बीता और दोनों बहनों की नोक झोंक चलती रही। कभी मुन्नी चुटकी के बाल खींचती तो कभी चुटकी मुन्नी की चीजें लेकर भाग जाती। इन दोनों की अटखेलियां चलती रहती। समय बीता और मुन्नी और चुटकी की स्कूल शुरू हो गई। मुन्नी चुटकी को अपने साथ ध्यान से लाना, रास्ते में उसे अकेला मत छोड़ना। अरे माँ मैं रोज तो उसे साथ लाती हूँ ना। हाँ लाती है, पर मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं रोज तुझे यही बोलूँगी। मुन्नी ये सब सुनकर नाराज हो जाया करती थी, पर वो फिर भी अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। अरे चुटकी दौड़ो मत, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लगेगी। रुको आज माँ से तुम्हारी शिकायत करूँगी। एक दिन की बात, मुन्नी और चुटकी अपने स्कूल में थे। उसका स्कूल पक्का और मजबूत था। अचानक जमीन पर कंपन आ गई और सब कुछ हिलने लगा। भूकंप भूकंप। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। सारे बच्चे स्कूल टेबल्स के नीचे घुस गए। मुन्नी ने चुटकी को मजबूती से पकड़ रखा था। दोनों बहनें डरी हुई थी। स्कूल की कुछ दीवारें टूट गई और फिर एकाएक कंपन रुक गई। जब मुन्नी और चुटकी टेबल्स के नीचे से बाहर आई तो सब कुछ बिखर चुका था। ये सब क्या हो गया दीदी? तू रो मत चुटकी, मुझे माँ पापा के पास जाना है। हाँ चल घर चलते हैं। मुन्नी और चुटकी रास्ते में रोते रोते आ रहे थे। गांव के सारे घर टूट चुके थे, लोग जख्मी थे और कुछ मारे भी गए थे। चारों तरफ खून ही खून था। इन लोगों को क्या हुआ? तू मत देख वहाँ, सीधे घर चल। मुन्नी रास्ते भर सोच रही थी, हमारे घर का क्या हाल हुआ होगा। हे भगवान मेरे माँ पापा को कुछ ना हुआ हो बस। पर जैसे ही दोनों अपने घर के बाहर पहुँचे तो वहाँ का मंजर देखकर दोनों अपने आंसू रोक नहीं पाए। हमारा घर। मुन्नी अपने माँ पापा को ढूंढने लगी। दोनों बच्चियां यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। आखिर मालबे में उन्हें किसी का हाथ दिखा। मुन्नी और चुटकी ने मलबा हटाया। उस मलबे में उसके माँ पापा दबे हुए थे।
उन दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। माँ उठ जाओ, पापा तुम तो उठ जाओ, उठ जाओ। दोनों बच्चियों की चीख सुनकर पड़ोसियों ने मुन्नी और चुटकी को संभाला। दोनों बच्चियाँ अनाथ हो चुकी थी। पड़ोसियों को दोनों बच्चियों पर बहुत दया आई। कुछ दिनों तक उन सभी ने बच्चों की देखभाल की, पर फिर उन दोनों के खाने के भी वांदे हो चुके थे। दीदी मुझे भूख लगी है। मुझे भी, अब क्या करें? चल हमारे खेतों में चलते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। दोनों बहनें अपने खेतों में गए तो वहाँ कुछ सब्जियाँ थी। चुटकी अच्छी अच्छी सब्जियाँ तोड़ ले। ठीक है। उन दोनों ने सारी अच्छी सब्जियाँ तोड़ी और एक टोकरी में भर ली। इतनी सारी सब्जियों का हम क्या करेंगे? कुछ हम खाएंगे और कुछ बेचेंगे। मुन्नी टोकरी लेकर नुक्कड़ पर गई और वहाँ उसने सब्जियाँ बेचकर कुछ पैसे कमा लिए। उन पैसों से मुन्नी ने चावल खरीदे। मुन्नी ने चूल्हे पर सब्जियाँ और चावल पकाए और आज कई दिनों बाद दोनों बहनों ने पेट भर के खाना खाया। अगले ही दिन मुन्नी और चुटकी वापस खेत लौटे और एक बार फिर उन्होंने सब्जियों की फसल उगाना शुरू कर दिया। वो दोनों पूरा दिन खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही सब्जियाँ उगाना सिखा दिया था, इसलिए वो बिना किसी की सहायता से अकेले ही सब्जियाँ उगाया करती थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज लगभग 10 साल बाद भी दोनों बहनें साथ में सब्जियों की खेती करती थी। अब वो दोनों उस हादसे से उभर चुके थे। मुन्नी और चुटकी ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और साथ ही साथ काम भी किया, और अब उन्होंने अपने मकान की भी मरम्मत करवा ली थी और दोनों बहनें अब उन्नति कर रही थी। अरे चुटकी देख, मैंने तेरे लिए क्या लाया है। क्या दीदी? सोने का हार। बाप रे, ये तो बहुत महंगा होगा ना। दीदी आपने अपने लिए हार नहीं लिया, और मेरे लिए क्यों लिया? क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये सुनकर चुटकी की आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन को गले लगा लिया। दीदी रो क्यों रही है पगली? तोहफा पाकर कोई उदास होता है क्या? संजीव सच कहते थे कि जिम्मेदारी अपने आप मुन्नी को समझदार बना देगी। कहां बचपन में वो चुटकी से जलती थी और कहां अब वही चुटकी उसकी जान थी। भगवान ने चुटकी और मुन्नी से उनके माता पिता तो छीन लिए, पर उन्हें एक दूसरे का सहारा बना दिया, जिस वजह से आज वो दोनों अपने गमों से बाहर निकल पाए हैं। शायद ये इन दोनों बहनों का प्यार ही था, जो अनाथ होने के बावजूद वो एक दूसरे के माता पिता बन गए।